आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 562वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। बारिश लगातार हो रही है सिवनी में, 1 और 2 अगस्त की दरमियानी रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते पूरा जिला तरबतर है। फिलहाल हम खड़े हुए हैं दलसागर तालाब के टापू के ऊपर, माफ कीजिएगा, दलसागर तालाब राजा दलपत शाह के नाम पर इस तालाब का बनाया गया था, इस तरीके की मान्यता है। हमारे पीछे आपको पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा, कुछ जगह यहाँ पर पानी खाली दिख रहा होगा। एक मशीन, बड़ी सी मशीन CLO SR-65 यहाँ खड़ी है, काफ़ी बड़ी मशीन यहाँ पर दिख रही है। इस मशीन से क्या काम कराया जा रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। दलसागर तालाब को खाली कराया गया, 3-4 बार इस तालाब को पहले खाली कराया जा चुका है। जब भी इस तालाब को खाली कराया जाता है, इसकी सिल्ट निकाली जाती है, इसके नीचे जो भी गाद जमी है, कचरा जो भी है, उसे निकाला जाता है। विडंबना ही कही जाएगी कि इस बार 2023 में जब इसे खाली कराया गया, तब इसकी सिल्ट नहीं निकाली गई है, सिर्फ सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इसके पहले दलसागर तालाब के सौंदर्यकरण के ऊपर प्रवीण सिंह अढ़ायच जब यहाँ पर जिलाधिकारी थे तब, और उसके पहले मनोहर दुबे जब यहाँ पर जिलाधिकारी हुआ करते थे, कुल मिलाकर यहाँ इस दलसागर तालाब पर करोड़ों रुपए अभी तक फूके जा चुके हैं। अभी एक बार फिर यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करने का ताना बाना बुना जा रहा है। यहाँ एक राजा दलपत शाह की एक प्रतिमा, बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई जा रही है, प्रतिमा लगनी चाहिए उनके नाम पर, राजा दलपत शाह के नाम पर अगर ये तालाब है तो उनकी प्रतिमा निश्चित तौर पर ऐसी लगनी चाहिए कि सड़क से वो दिखाई दे, दूर से वो दिखाई दे। राजा दलपत शाह वाकई इस पूरे क्षेत्र के लिए एक आइकॉन के रूप में, अगर उन्हें कहा जाए कि वे एक अगुआ के रूप में रहे हैं, एक उन्हें ये भी कहा जा सकता है कि वे लोगों के लिए आदर्श रहे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर यहां दलसागर तालाब को खाली कराकर सिल्ट अगर नहीं निकाली गई, सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि यहां सिल्ट निकाली जाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर पालिका परिषद कांग्रेस की नगर पालिका परिषद है, और ये पूरे तालाब में आप अभी भी पानी भरा हुआ देख सकते हैं, पानी यहाँ पर भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इस तरफ कुछ अभी खुदाई का काम चल रहा है, हम आपको थोड़ा सा इस तरफ का नज़ारा भी अगर दिखाएं तो यहाँ पर भी कुछ काम चलता हुआ प्रतीत हो रहा है, पर यह काम कब पूर्णता को पाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। यहाँ पर झाड़, छोटे छोटे खरपतवार आपको दिखाई दे रही होगी हमारे पीछे, ये बस स्टैंड का सिरा, बस स्टैंड का इस तरफ बस स्टैंड है, सुहाने पेट्रोल पंप, मालू पेट्रोल पंप, अब्बास भाई का पेट्रोल पंप, इस तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन एक्सचेंज है। छोटे छोटे पिलर्स आपको दिख रहे होंगे, इन पिलर्स पे एक यहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि वहां से लेकर यहाँ आया जा सके। हम आपको यही बता रहे थे कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर पालिका परिषद कांग्रेस की है। दिनेश राय की एक मंशा थी, दिनेश राय चाह रहे थे कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण हो, पर नगर पालिका परिषद वैसा कुछ करती दिख नहीं रही है, क्योंकि यहां अगर सिल्ट नहीं हटाई जाएगी तो पानी का स्टोरेज कम हो जाएगा। वैसे भी जब प्रवीण सिंह अढ़ायच यहां पर जिलाधिकारी थे तब भी यहां पैदल पाथवे बनाया गया था, और पैदल पाथवे बनाते समय और उसके पहले भी जब मनोहर दुबे यहां जिलाधिकारी हुआ करते थे तब भी इसकी खुदाई की जाकर पिचिंग कराई गई थी और इसका जल भराव क्षेत्र कम कर दिया गया था। यहाँ अगर हम आपको यहाँ दिखाएं, यहाँ भी आप देख सकते हैं एक पीपल का यहाँ पर झाड़ दिख रहा है, और पीपल का झाड़ में आपको कई जगह उसकी शाखाएं यहाँ पर भी कटी हुई दिख रही होंगी, यहाँ पर भी आपको शाखाएं कटी हुई दिख रही होंगी। किसकी अनुमति से इन शाखाओं को काटा गया है? सनातन धर्म में पीपल के
वृक्ष की महत्ता बताई गई है। ये माना जाता है कि इस पर देवताओं का वास होता है। दरअसल पीपल का वृक्ष इकलौता ऐसा वृक्ष होता है जो रात में भी ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। बाकी दीगर पेड़ रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, पर पीपल इकलौता ऐसा वृक्ष है जहां जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। बहरहाल मंशा भारतीय जनता पार्टी की क्या है, कांग्रेस की मंशा क्या है, यहां पर लाखों खुर्दबुर्द करने की तैयारी है, इस तरीके के संकेत नगरपालिका और प्रशासनिक सूत्रों के द्वारा दिए गए हैं। क्या वजह है कि कांग्रेस शासित नगरपालिका परिषद के द्वारा जब इसे खाली कराया गया, तो क्या वजह है कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना के द्वारा कहा गया था कि इसकी सिल्ट पहले निकाली जाए। अगर सिल्ट निकालना था तो इसे फरवरी या मार्च के महीने में खाली कराया जाना चाहिए था, मई के महीने में इसे खाली कराया गया है। मई में अगर इसे खाली कराया गया तो जून जुलाई, जुलाई में स्वाभाविक के बारिश आ जाती है, और बारिश का वेग इस बार इतना ज़्यादा रहा है कि आप चारों तरफ पानी भरा हुआ देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर अब सिल्ट निकालनी है तो अगले साल अप्रैल और मई तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि तब तक ये पूरा तालाब सूख पाएगा, तब यहाँ पर तालाब का पानी सूखेगा और उसके बाद यहाँ से सिल्ट निकाली जा सकेगी। भैरवगंज का हमारे पीछे हम दिखा रहे हैं एमएलबी स्कूल, पीछे भैरवगंज में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल और डिग्री कॉलेज का ये रास्ता है, यहाँ से बीएसएनएल के से होकर सीधा जाता है। कलेक्ट्रेट भी ठीक पीछे हमारे आपको नज़र आ सकता है। ये पेड़ कौन कटवा रहा है, पेड़ कौन कटवा रहा है? अच्छा, लेबर लोग काट के ले जा रहे हैं, जलाने के लिए काट कर ले जा रहे हैं। पर यहाँ आप पानी भरा हुआ देख सकते हैं, पानी यहाँ पर भी भरा हुआ है, पानी इस तरफ भी पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में ये बारिश तो निकल गई, इस बारिश में दलसागर तालाब में पानी नहीं भर पाया। ये जो काम चल रहा है, ये काम जिस गति से चल रहा है, अक्टूबर नवंबर तक ये काम पूरा हो सकता है। पर जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन की शिप्रा नदी में गर्मियों के समय टैंकर से पानी डाला जाता है, तो क्या इस दलसागर तालाब को भरने के लिए अक्टूबर नवंबर में जब ये काम पूरा हो जाएगा, बारिश बमुश्किल 15-20 दिन या एक आध महीने की बची हुई है, अगस्त के महीने के बाद सितंबर, 15 सितंबर तक भी मान लिया जाए बारिश, पर चूंकि उस मुहाने पर पानी की निकासी जारी है, तो इस तालाब को भरा कब जाएगा, प्रश्न सबसे बड़ा यही खड़ा हुआ है। अगर ये तालाब नहीं भरा गया, इस तालाब को अगर नहीं भरा जाता है, तो आने वाले समय में गर्मियों में इस तालाब के पानी से आसपास लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक जो भी वाटर सोर्सेज हैं, चाहे हैंडपम्प हो, कुआं हो, बावली हो, वो इस पानी से रिचार्ज होते थे, वो कैसे रिचार्ज हो पाएंगे? ग्राउंड वाटर लेवल वो कैसे यहाँ पर मेंटेन हो पाएगा, उसे कैसे बरकरार रखा जा सकेगा? ये एक बड़ा प्रश्न है जो जिस पर विचार नगरपालिका परिषद और प्रशासन को करना चाहिए। दरअसल ये एक मछली पालन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र दलसागर तालाब होता था, तो मछुआरा समाज को भी इस यहाँ से अच्छी खासी आय हुआ करती थी बारिश के समय। इस बार खाली कर दिया गया, अमूमन जब भी खाली कराया गया है, हमने इस दलसागर तालाब को 2 से 3 बार खाली होते हुए अपने जीवन काल में देखा है। इस दलसागर तालाब को जब भी खाली कराया जाता था, बारिश के पहले उसे साफ कर दिया जाता था ताकि बारिश का पानी इसमें आ पाए। अगर आप सामने ये जो लाइब्रेरी है, जो पहले गोदाम FCI का हुआ करता था, वहाँ से नाला जो आ रहा है, नाला भी पानी इतना तेज गति से आ रहा है कि ये पूरा पानी यहाँ पर नाले का आता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये नाले का पानी यहाँ पर अगर आ रहा है तो गंदगी निश्चित तौर पर आ रही है।
राजनीतिक दल यही बात कहते हैं कि इसका गंदा पानी, ये जो सीवर का पानी इसमें आ रहा है, कोई कहता है सीवर का पानी बैनगंगा में मिल रहा है, सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए। अगर सीवर का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकता तो कम से कम वहां से जो नाला जा रहा है बस स्टैंड के पास, अभी अतिक्रमण हटाया गया है, अतिक्रमण यहाँ किनारे पर लाकर रोक दिया गया है। इसके बाद अतिक्रमण शायद नहीं है ऐसा प्रशासन का मानना है, पर वास्तविकता कुछ और है। अतिक्रमण आगे तक हो सकता है। ये जो नाला जा रहा है जिसे अभी प्रशासन के द्वारा जिस पर से अतिक्रमण हटाया गया है, नाले को चौड़ा किया गया, उसके बाद क्या वजह है कि दलसागर तालाब के अंदर पानी नाले का गंदा आ रहा है। और अगर इस नाले का गंदा, शहर का सीवर लाइन का गंदा पानी अगर इसमें आएगा, इसको साफ कैसे रखा जा सकेगा? पहला प्रश्न यही है। इसकी सिल्ट अगर नहीं निकाली है कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद के द्वारा, तो विधायक सिवनी दिनेश राय मौन क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे मौन क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के दोनों मंडल अध्यक्ष शहर के संजय सोनी, अभिषेक दुबे मौन क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस दलसागर को लेकर मौन क्यों हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर सीवर लाइन का पानी अंदर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में मौन है, वहां तक तो ठीक है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना, इस गंदगी के लिए आप मौन क्यों हैं? नगर कांग्रेस अध्यक्ष इमरान पटेल, यहां गंदगी आ रही है, आप मौन क्यों हैं? नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शफीक खान, आप मौन क्यों हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता जितने भी हैं, आप सारे मौन क्यों हैं? प्रश्न यही खड़ा हुआ है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जनता के गाढ़े धन से जो हम टैक्स देते हैं, जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से संचित राजस्व, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसे इस तरह से हवा में उड़ाने का अख्तियार किसने दिया और किसको दिया? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। आम जनता इस प्रश्न पर विचार जरूर करे। 4 महीने बाद चुनाव है, चुनाव में इस बारे में आप विचार करें और अपना निर्णय जरूर लें। हम बहुत जल्द इन सारे ज्वलंत विषयों पर नेताओं की संगत समागम करने का प्रयास करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 565वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 556वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।